नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचना। आई से डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। कैलिफोर्निया के लोडी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद स्काई डाइवर से भरा एक सिंगल इंजन विमान क्रैश लैंड हुआ। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन क्रैश लैंड होने के ठीक पहले एक स्काई डाइवर के हेलमेट में लगे गोप्रो कैमरा में ये घटना कैद हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। खबरों के अनुसार इस विमान के 17 सवार सभी स्काई डाइवर्स थे। विमान ने उत्तरी कैलिफोर्निया के लोडी एयरपोर्ट से गुरुवार दोपहर में उड़ान भरी। कुछ देर बाद ही यह सिंगल इंजन वाला विमान तेजी से नीचे आने लगा। हादसे के दौरान उसमें चीख पुकार के बाद अलार्म की आवाज भी सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र 4 शांति रक्षक भारतीय जवानों और एक असैन्य भारतीयों को सम्मानित करेगा। इन 5 भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के मौके पर अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित डग हैमरशोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इनके अलावा जान की बाजी लगाने वाले 124 अन्य शांति रक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। यूएन महासचिव बान की मून खुद 19 मई को ये सम्मान प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 19 मई को मनाया जाएगा। हेड कांस्टेबल शुभकरण यादव, राइफलमैन मनीष मलिक, हवलदार अमाल टेका, नायक राकेश कुमार और असैन्य अधिकारी गगन पंजाबी को प्रतिष्ठित मेडल प्रदान किया जाएगा। यादव और मलिक कांगो में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मौज मस्ती करने के दिनों में अमेरिका के 14 वर्षीय स्कूली छात्र ने फर्स्ट एंड किट देने वाली वेंडिंग मशीन बना डाली। इसका पेटेंट अधिकार खरीदने के लिए दिग्गज हेल्थ केयर कंपनी ने इस छात्र को $30 मिलियन की पेशकश की, जिसे उसने ठुकरा दिया। टेलर रोसेन नथल फिलहाल अलबामा प्रांत के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मन में वेंडिंग मशीन बनाने का विचार बेसबॉल के दौरान घायल होने वाले साथी बच्चों और किशोरों को देख कर आया था। नेपाल सरकार के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो गई है। 7 मधेशी दलों और करीब 2 दर्जन जातीय संगठनों के गठबंधन ने अधिक अधिकारों, पर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमा के पुनर्सीमांकन से जुड़ी मांगों पर दबाव डालने के लिए रविवार को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मधेशी आंदोलनकारियों और नेपाली पुलिस के जवानों के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। कुछ घंटों तक चले विरोध प्रदर्शन से ही रविवार को सिंह दरबार के आसपास के इलाके में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सरकारी कार्यालय खुलने के करीब 1 घंटे पहले ही 2000 से अधिक प्रदर्शनकारी सिंह दरबार और नया बाणेश्वर इलाकों में एकत्र हो गए थे। वे जबरदस्ती इन प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMSTV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश।